नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। और आज बात करेंगे मन के बारे में, मन को मजबूत करने के बारे में। देखिए, इस समय परिस्थिति बहुत सही नहीं चल रही है। परिस्थितियाँ जो हैं वो क्रिटिकल हैं। पेंडेमिक का दौर चल रहा है और देश में समझो हाहाकार मचा ही हुआ है। और इस समय, इस दौर में हमें अपने मन को मजबूत करना है। देखिए, जब आदमी अपने मन को मजबूत करता है, अगर आदमी कमज़ोर है, उसका मन कमज़ोर है, तो जो मुश्किलें हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो उसके लिए हमेशा चुनौती की तरह रहती हैं, हमेशा समस्याओं की तरह रहती हैं। जो मुश्किलें हैं, जो परिस्थितियां, अगर आपका मन जो है कमज़ोर रहता है, तो जो परिस्थितियां होती हैं, जो स्थितियां होती हैं, वो आपको, आपकी परिस्थितियां जो होती हैं, आपको समस्या बन के आपके सामने खड़ी रहती है। और जब आप अपने मन को स्ट्रांग करते हैं, थोड़ा सा मजबूत करते हैं, ठीक है, मन आपका स्थिर रहता है। जब स्थिर रहता है तो आप क्या करते हैं कि उन परिस्थितियों को चुनौती के रूप में लेते हैं। और जब आपका जो मन होता है वो मजबूत होता है, मन से स्ट्रांग होता है, तो जो परिस्थितियाँ होती हैं उनको हम अवसर के रूप में लेते हैं और ऊंचाई की बुलंदियों को छूते हैं, आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। जब हमारा मन जो होता है मजबूत होता है, तब की बात कह रहा हूँ। एक एग्ज़ाम्पल के रूप में इसको समझेंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक ट्रक में आलू भरे हैं, ठीक है, एक ट्रक में आलू भरे हैं। कुछ आलू जो हैं छोटे हैं, कुछ मीडियम साइज़ के हैं और कुछ साइज़ में बड़े हैं। कुछ आलू छोटे हैं, कुछ मीडियम हैं और कुछ बड़े हैं। और जब परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, मतलब अगर वो ट्रक में भरे हुए हैं और जो ट्रक है वो क्या है, वो एक प्लेन सड़क पे जा रहा है। जब सड़क प्लेन रहती है तो परिस्थितियाँ जब सामान्य रहती हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब रास्ते कठिन हो जाते हैं, परिस्थितियाँ कठिन हो जाती हैं, जब रास्ते में ढेर सारे गड्ढे रहते हैं, ट्रक उबड़ खाबड़ रास्तों से चलता है, तब परिस्थितियाँ कठिन होती हैं। उसको बोलते हैं परिस्थिति कठिन चल रही, कठिन दौर चल रहा है। तो उस समय क्या होता है, उस समय होता है कि जो छोटे आलू होते हैं, छोटे आलू इन द सेंस जिनका मन जो होता है वो कमज़ोर होता है, वो क्या होते हैं, वो नीचे चले जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर आपका मन, परिस्थितियां जब क्रिटिकल हैं, कठिन समय चल रहा है, तो अगर आप मन से कमज़ोर हैं तो आप नीचे और नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो जो व्यक्ति अपने मन को, परिस्थितियां जब मजबूर उसको करता है, जब परिस्थितियां कठिन परिस्थिति होती है, जो रोने धोने लगता है, परेशानियों में जकड़ जाता है, तो वो क्या होता है, वो गर्त में जाता रहता है, वो नीचे ही चला जाता है। लेकिन और दूसरा एग्जांपल क्या होता है कि जो थोड़े से बड़े साइज़ में होते हैं वो आलू क्या होते हैं, ऊपर उठ के बीच में आ जाते हैं, और जो सबसे बड़े होते हैं वो सबसे ऊपर आ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जिनका मन जो होता है वो स्थिर हो जाता है, वो थोड़ा सा उससे ऊपर आते हैं, उसको जो परिस्थितियां होती हैं, जो चुनौतियां होती हैं, उनको एज ए चुनौती की तरह देखते हैं, जो समस्याएं होती हैं उनको चुनौती की तरह देखते हैं। और जो मन से मजबूत होते हैं वो उन परेशानियों को, उन चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं, और उनका स्थान जो होता है वो ऊपर आ जाता है, वो ऊपर, सबसे ऊपर आ जाते हैं और ऊपर चुनौतियों को जीत लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने मन को जो है मजबूत रखना है, और हमें कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, कितना भी विकट समस्या आ जाए, अपने आप को स्ट्रांग रखना है। अगर आप स्ट्रांग रहते हैं, आप मजबूत रहते हैं, तो ये जो परिस्थितियां होती हैं, जो चुनौतियां होती हैं, आप उनको अवसर के रूप में बदल लें। इसी चीज़ को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। आपको भी अगर आपकी नौकरी चली गई है, आपका काम धंधा बंद हो गया है, तो कुछ अवसर के रूप में हमें तलाश करना चाहिए, और क्या हम और अच्छा कर सकते हैं, इस बारे में हमें सोचना चाहिए। तो आज के लिए ही बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो घड़ी है, ये जो महामारी है, ये चली जाएगी और फिर से हमारे अच्छे दिन वापस आ जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार। जय हिंद।